केंद्र सरकार की ओर से बुलाई गई तिरंगा यात्रा पर विवाद गरमाता जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव पे सरकार ने तिरंगा यात्रा का आह्वान किया था, जिससे विपक्ष की दूरी पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए, जिसके जवाब में राहुल की अगुवाई में कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं ने आज पूर्व पीएम पंडित नेहरू की तस्वीर ट्वीट की है, जिसमें वो तिरंगा हाथों में लिए नजर आ रहे हैं। तो सियासी घमासान तिरंगा यात्रा पर इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि तिरंगा यात्रा का आह्वान किया गया था, जिसमें तमाम सांसदों के शामिल होने की बात कही गई थी, लेकिन सिर्फ बीजेपी के सांसद ही इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस के सांसद यानी कि विपक्ष के सांसदों ने इस तिरंगा यात्रा से दूरी बनाई, जिसके बाद बीजेपी ने तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया कांग्रेस पर। बीजेपी के तमाम नेताओं, तमाम मंत्रियों ने एक सुर में कहा कि कांग्रेस अभी भी तुष्टीकरण की राजनीति को छोड़ नहीं पा रही है और इसी वजह से वो तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं हुई। और इसके जवाब में अब एक नया अभियान कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। ट्विटर पर अब फोटो ट्वीट की जा रही है, आपको दिखा रहे हैं दो तस्वीरें। एक तरफ प्रियंका गांधी का ट्वीट है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर है तिरंगे के साथ, और एक दूसरी तरफ राहुल गांधी का ट्वीट है, सेम तस्वीर उन्होंने भी ट्वीट की है और बताया है कि देश की शान है हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में है हमारा तिरंगा। ये अब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन बीजेपी तमाम सवाल खड़े कर रही है। इसी पर बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, राजीव जेटली जी, प्रवक्ता बीजेपी, महिमा सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत स्वागत है आप दोनों का। महिमा जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं, तिरंगा यात्रा से ये दूरी क्यों? तिरंगा यात्रा से दूरी, देखिए जो प्रचार में व्यस्त है और जो प्रतीकात्मक महत्व जानते ही नहीं है तिरंगे का, सबसे पहले तो आपकी चर्चा की शुरुआत में जरा हम भाजपा के प्रवक्ता से, क्योंकि वो लोग इतना जश्न मनाने में व्यस्त हैं तिरंगे का जो 52 साल तक उन्होंने फहराया नहीं था, जो आज भी भाजपा के हेडक्वार्टर्स के ऊपर भगवा झंडे से नीचे फहराता है, जिसका औचित्य तो स्पष्ट है, क्योंकि इनके सर संघ चालक गोलवलकर ने कहा था कि एक दिन हर भारतीय भगवा तिरंगे के सामने ही सर झुकाएगा, और वही इनके बीजेपी हेडक्वार्टर पे नजर आता है। आज भी आरएसएस और बीजेपी के जो मोहन भागवत जी हैं, जो चीफ हैं, जो आरएसएस के चीफ हैं, क्षमा चाहती हूँ, उन दोनों के ट्विटर हैंडल्स पे आपको तिरंगा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो आह्वान किया था। तो आप इनसे सबसे पहले ये समझिए, दर्शकों को भी समझाएं और हमें भी समझाएं कि इनके अनुसार तिरंगे के प्रतीकात्मक महत्व क्या है, जो तीन रंग हैं उसका महत्व क्या है, और ये भगवा को ही क्यों सिर पर उठाए घूम रहे हैं। ठीक है महिमा जी, इस सवाल का जवाब जो आप पूछ रहे हैं इसका जवाब जरूर राजीव जी से लेंगे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया कि इस तिरंगा यात्रा से कांग्रेस की दूरी क्यों? आप भी तो सिर्फ सोशल मीडिया पर तिरंगा की फोटो पेस्ट कर रहे हैं। हमने 75 साल से, जब से ये तिरंगा पिंगली वेंकैया ने जब इसका चित्रण किया था, जब महात्मा गांधी ने इसमें श्वेत को जोड़ा था, मैं प्रतीकात्मक महत्व पे बात करना शुरू करूंगी तो मुझे लगता है पूरी चर्चा सिर्फ उसी पर बीत जाएगी। लेकिन हमने तो 75 वर्ष से इस तिरंगे का जश्न मनाया है। हम कथनी और करनी के फर्क वाले ऐसे लोगों से, जो जनता के साथ तक अगर मनाया है तो इस तिरंगा यात्रा में भी शामिल हो जाते हैं। आप बीजेपी को अगर कह रहे हैं कि प्रतीकात्मक जश्न इस वक्त मना रहे हैं, तो आप शामिल होकर एक्सपोज कर देते कि देखिए हमारे लिए तो तिरंगा हमारी आन बान शान का मतलब है, आप शामिल हो जाते। देखिए ऐसा है, हर भारतीय के मन के अंदर अपने भाव हैं, अपनी तरह से श्रद्धा है, अपनी तरह से देशभक्ति है, और कांग्रेस वो पार्टी है 150 साल से जिस पार्टी ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। क्या भाजपा एक भी स्वतंत्रता सेनानी का, हमने जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगाई है, क्या भाजपा गोलवलकर सावरकर की तस्वीर हमें दिखा सकती है तिरंगे के साथ? क्या एक भी स्वतंत्रता सेनानी, महा हिंदू सभा का जो महिमा जी, मुझे लगता है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पक्ष विपक्ष को छोड़कर कि बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, हम सबको एकजुट होना चाहिए, क्योंकि बात यहाँ हमारे राष्ट्र ध्वज की हो रही है, हमारे राष्ट्र, हमारी राष्ट्रभक्ति की हो रही है। खैर, आपने जो सवाल उठाए हैं राजीव जी, इतिहास का जश्न है आज, इतिहास का जश्न है, इतिहास को पीछे छोड़कर इतिहास का जश्न कैसे मनाया जाएगा? ठीक है, आप राजीव जेटली जी जो सवाल उठा रही हैं, महिमा जी जवाब दीजिए उनका, कि आप सिर्फ प्रचार करना जानते हैं, आपको राष्ट्रभक्ति से कोई मतलब नहीं, तिरंगा की आन बान शान से कोई मतलब नहीं। हमारा तिरंगा इस देश का तिरंगा है, हमारा तिरंगा इस देश के बच्चे बच्चे, महिला पुरुष, कोई भी व्यक्ति क्यों ना इस देश से जुड़ा हो, उसका तिरंगा है। मुझे लगता है मेरी अपनी डीपी, आपकी डीपी, या इस देश के अंदर एक एक व्यक्ति ने अपनी जो डीपी लगाई है अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, वो केवल तिरंगे की लगाई है।
यहाँ तिरंगे का अपमान केवल इस हिसाब से भी देखा जा सकता है कि आपको तिरंगा भी अकेला पसंद नहीं है, तिरंगे के साथ भी आपको अपने परिवार का एक हिस्सा जरूर चाहिए होता है। अरे भाई, हम सब लोग तिरंगा लगा रहे हैं, तिरंगा इस देश की शान है, और तिरंगा के साथ आपने फिर आपने नेहरू जी की फोटो लगा दी, या नेहरू जी की फोटो के साथ तिरंगा लगा दिया, दोनों में बातों में फर्क नहीं है। आज जब पूरा देश इस बात का जश्न मना रहा है और आपसे कहा गया कि तिरंगा यात्रा में शामिल होइए, तिरंगा की बात ही करते आए हैं ना आप शुरू से, आजादी के बाद से यही तो कहते आए हैं कि तिरंगा। हम जिस जिस बात को आगे लेकर के चलते हैं उस बात से आपको नफरत होनी शुरू हो जाती है। हम गांधी जी की बात करते हैं तो आपको कहते हैं गांधी जी तो हमारे पास, जो हमने उनका पेटेंट करवा रखा है वो अधिकार केवल हमारे पास है। हम तिरंगे की बात करते थे तो आप कहते थे वो भी पेटेंट हमारे पास है कि तिरंगा हमारा आपका नहीं है। आज बताइए, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बात को रखा कि हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे, और सदन के अंदर तो आपके नेता मौजूद थे, इतनी क्या एलर्जी है आपको तिरंगे से कि आप उस तिरंगा यात्रा के अंदर शामिल नहीं हो पाए? एक बार भी आपने कोई स्टेटमेंट दी उसका जस्टिफिकेशन में? हो सकता है राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, इनकी अपनी मजबूरी हो सकती होगी, नहीं आना चाहते होंगे, लेकिन आपके सांसद जब संसद के अंदर ही वाइस प्रेसिडेंट इस बात की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि आइए हम तिरंगा यात्रा में शामिल हो। ठीक है राजीव जेटली जी, लेकिन देखिए इस बात से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तिरंगे के साथ अगर फोटो ट्वीट की गई है तो ये भी उनका अपना तरीका है सम्मान जताने की। रही बात तिरंगा यात्रा में शामिल ना होने की, इस पर आप सवाल, मैंने तो आपसे कहा कि सम्मान देना जरूरी है परिवार को। अरे एक बार तो तिरंगे को अकेला देख लेते आप, एक बार तो अपनी डीबी पे तिरंगे को अकेला लगा देते। क्या मजबूरी क्या है आप लोगों की, मुझे ये समझ नहीं आता। महिमा सिंह जी, ये मजबूरी क्या है आपकी, ये आपको हर बार अपने परिवार से एक व्यक्ति जोड़ना क्यों होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ना होता है, गांधी जी के साथ जोड़ना होता है, तिरंगे के साथ जोड़ना होता है, बिना उसके क्या? वो देखिए सिर्फ परिवार के मेंबर नहीं है जवाहरलाल नेहरू, वो देश के पहले प्रधानमंत्री भी है। महिमा सिंह जी, याद दिलाने के लिए शुक्रिया प्राची जी, ये इनको याद दिलाया जाना बहुत जरूरी है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि देशभक्ति का तरीका हम इन देशद्रोहियों से सीखेंगे क्या, जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ किस तरह से गठबंधन किया था? मैं उसके इतिहास के विस्तार में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन दो बातें अभी बहुत रोचक कही भाजपा के प्रवक्ता ने। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग के साथ जिन्ना के साथ हैमबर्गर नेहरू जी खाते थे, हैमबर्गर समझते ना आप, नेहरू जी खाते थे, दोनों मिलके खाते थे, वो पोर्क बर्गर खाते थे और ये बीफ बर्गर खाते थे। बोलिए, ये जानकारी है आपके पास? अब हमारे साथ कितने करवा रहे हैं इस बारे में शासन सीख ले, जितने जितनी घनिष्ठता उन दोनों की आपस में थी इस देश के अंदर, मुझे लगता है दो भाइयों की भी नहीं होगी उतना प्यार, दो भाइयों में नहीं होगा जितना प्यार दोनों का आपस में था। चर्चा नहीं होगी प्राची जी, हस्तक्षेप के साथ चर्चा नहीं होगी, राजीव जी की बात पूरी करने दीजिए, क्योंकि इनके झूठ का खंडन मैं लगातार इनके साथ ओवरलैप करके करती तो जनता के लिए ये चर्चा कभी साथ नहीं होगी। बात करिए, बात पूरी करिए। दो बड़ी रोचक बातें भाजपा के प्रवक्ता ने कही, इन्होंने कहा जी, कि आपको बीच में रोक रही हूं, फिर आप अपनी बात पूरी करेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।